नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जो कि एक और कमेंट आया था मेरे पास भाई साहब का, नाम देखते हैं और इन्होंने क्या कमेंट किया। मुझे बहुत ही प्यारा कमेंट लगा है जो कि भाई साहब ने कमेंट किया है। मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, ठीक है, मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, यह है वीडियो बनाई, इस वीडियो में मेरा नाम जरूर आना चाहिए, ठीक है। भाई साहब ने यानी कि ये बोला है भाई मेरा नाम जरूर बोलना चाहिए, ठीक है। भाई साहब का नाम है शकीर खान। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब जो कि आपने ये कमेंट किया है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा है। हमारे जो प्यारे बहन भाई दोस्त जो भी आप भी वीडियो देख रहे हैं, आपके मन में भी कोई भी सवाल है आप भी कमेंट करके पूछ लेना भाई। आप किस विषय में जानना चाहते हो, कोई दावत के बारे में या एस्टिमेट के बारे में, आपका जो भी सवाल होगा उस विषय में वीडियो बना करके दी जाएगी, ठीक है। जो कि इनका एक सवाल है छोटा सा, वो सवाल देखते हैं। इन्होंने लिखा हुआ है भाई साहब 2000 लोगों की दावत करनी है, दावत के अंदर जो खाना बनाना है इन्होंने वो बताया है, 2000 लोगों की दावत करनी है। दावत में मटर पनीर की सब्जी होगी और आलू गोभी की सब्जी है और आलू छोले की सब्जी है, इसके अलावा रसगुल्ले। दावत के अंदर कुल कितना खर्चा हो जाएगा, ये हमारे मटेरियल है, ठीक है। हम मान के चलते हैं जो भी हमने एस्टिमेट बनाया है इन चीज़ों का, उनका एस्टिमेट विधि पूर्वक आपको मैं बताने वाला हूँ। जो कि लिस्ट के अनुसार हम चलते हैं, जो कि 8 किलो पनीर 80 केजी पनीर लग जाएगा भाई, ठीक है। 2000 लोगों में आप ये मत बोलना भाई कम पनीर है, ठीक है। ये जो कि आपने चीज़ बताई है उसके अनुसार अकॉर्डिंग करके बताया गया है, जो कि इसके अंदर 3 सब्जियां हो गई हमारे पास, मटर पनीर की और एक सूखी सब्जी है, आलू और गोभी की सब्जी है, ठीक है, और इसके अलावा एक छोले की सब्जी हो जाएगी, ठीक है। 3 सब्जियां हमारे पास, 3 सब्जी के अनुसार एस्टिमेट निकाला गया है, ठीक है। 80 केजी पनीर और 90 केजी यहाँ पर है सफल मटर, आप 80 भी कर सकते हो, इसके अंदर आपने चावल ऐड नहीं किए हैं, ठीक है। 80 किलो आप सफल मटर कर लीजिए, ठीक है, और 50 केजी आलू, जो कि हम 30 केजी आलू तो जो हमारी आलू गोभी की सब्जी होगी उसके अंदर डाल लेंगे, ठीक है। और उसके अलावा 20 किलो आलू हम डालने वाले छोले के अंदर, ठीक है, और 120 केजी गोभी, जो कि हमारी लगभग 1 कुंटल से लेके 90 किलो गोभी से जो टोटल हमारा वेट है भाई, 90 किलो से लेकर के 1 कुंटल जो हमारा वेट होगा उसमें हमने सब्जी बनानी होगी मिक्स वेज, ठीक है, जो सूखी सब्जी है हमारी, जो कि हम इसके डंखले निकाल देंगे भाई, 30-40 किलो डंखले निकल जाएंगे और 70-80 किलो हमारी गोभी हो जाएगी। तो इसके अंदर मान लीजिए हम 20 किलो आलू डाल लेंगे, 20 या 30 किलो आलू, ठीक है, और 15 केजी छोले हो जाएंगे और 1 कुंटल 40 केजी टमाटर हो जाएंगे, ठीक है, और 1 कुंटल प्याज हो जाएगी इसके अंदर, और 3 केजी हरी मिर्ची और 2 केजी अदरक या 2 केजी लहसुन, ठीक है, और 6 टीन के रिफाइंड, जो कि भाई हम इसके अंदर पूड़ियाँ बनाएंगे, ठीक है, और सब्जियां तैयार करेंगे, और इसके अलावा जो सब्जियां हैं मिक्स वेज है, जो आलू गोभी की सब्जी है उसको फ्राई करेंगे। ये चीज़ होने के बावजूद 2 केजी लाल मिर्ची है और 3 केजी हल्दी है, 2 केजी धनिया पाउडर है पिसा हुआ, ठीक है, 6 पैकेट किचन किंग मसाला है और 5 पैकेट गरम मसाला है। इनके अनुसार मैंने रेट भी लगा रखा है, जैसे कि हम मान के चलते हैं 80 किलो पनीर है, उसका रेट मैंने 300 के प्राइस में लगाया है, ठीक है। आपके पास जो भी भाव चल रहा है 280 से लेकर के वही 350 या 300 का जो भी भाव है वो अपने अनुसार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। मैंने 300 का मैक्सिमम भाव लगा लिया है और जैसे कि हर चीज़ का मैंने यहाँ पर रेट लगा के रखा हुआ है, और गरम मसाला 5 पैकेट और अमचूर 1 केजी 1 किलो, काला नमक 1 किलो, सफ़ेद नमक 10 किलो, ठीक है, और 12 पैकेट देगी मिर्च की होगी इसके अंदर, देगी मिर्च जो MDH की देगी मिर्च बोलते हैं, और इसके अंदर आपने चावल तो ऐड किए नहीं है, यदि चावल भी करना चाहते हो तो लगभग 50 किलो चावल हो जाएंगे, और जो सफल मटर मैंने वहाँ पर 80 किलो बताई थी वहाँ 90 90 किलो मटर कर सकते हो आप, ठीक है। और मीट मसाला,
मीट मसाला की 6 पैकेट हो जाएगी, ठीक है। और इसके अलावा आपने बोले थे रसगुल्ले भी, रसगुल्ले हैं तो भाई लगभग 3 कुंटल 20 केजी रसगुल्ले इसके अंदर लगने वाले हैं, ठीक है। 3 कुंटल 20 केजी रसगुल्ले जो भी आपके पास भाव चल रहा है वो भाव अपना कैलकुलेट कर लेना, जैसे कि कोई 70 से 75 रुपये या 78 रुपये या 80 रुपये या फिर 120 रुपये तक मिल जाएंगे हमने। मैक्सिमम जो बीज का रेट है 90 रुपये केजी, 90 रुपये केजी के हिसाब से हमने कैलकुलेट करके यहाँ पर प्राइस लगा लिए हैं 29,000, ठीक है। और 10 केजी प्लेन खोवा जो कि हम मटर पनीर की सब्जी है उसके अंदर डालने वाले हैं, ठीक है। और 8 गैस सिलेंडर जो कि हमने 8 गैस सिलेंडर सब्जियां हैं हमारी और पूड़िया होगी हमारी। इसके अलावा जो फ्राई सब्जी पूड़ी जो मटेरियल है इनके दावत के अंदर ये 7 से 8 सिलेंडर लग जाएंगे। इसके अलावा यदि आप मान लीजिए भाई कोई अलग से आइटम बढ़ा रहे हो, जैसे कढ़ी हो गई, चावल हो गए, या फिर मान लीजिए अपने घर में लड्डू खुरमे मट्ठी या और बनवा रहे हो, इनका कोई भी एस्टिमेट नहीं इसके अंदर, ठीक है। या भाई खुरमा मट्ठी लड्डू और बढ़ा रहे हो 5-7 सिलेंडर, 5 या 4 सिलेंडर और भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। और 500 ग्राम मीठा सोडा जो कि ये हमने छोले लिखे थे इनको गलाने के लिए, ठीक है। और जीरा 1 केजी और पीला रंग 200 ग्राम जो कि पनीर की सब्जी है उसके ऊपर हमने थोड़ा कलर चलाना होता है, ठीक है। काजू 3 किलो, ठीक है, मटर पनीर की सब्जी के लिए। और हींग पाउडर 100 ग्राम और अजवाइन 1 किलो जो कि पूड़िया निकालने के लिए, ठीक है। तेज पत्ता 200 ग्राम तेज पत्ता और 100 ग्राम लौंग और 200 ग्राम जावित्री, और इसके अंदर मैंने 200 ग्राम बड़ी इलायची ऐड की है और 20 पैकेट कस्तूरी मेथी। इसके अलावा मान लीजिए एक दो आइटम रह भी जाता है तो भूल चुक से उसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको 500-400 रुपया जो आइटम होगा 1,500 का डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मान के चलते भाई टमाटर मैंने बताए यहाँ पर, प्याज बताए, इनके मैक्सिमम टमाटर के 40 रुपये प्राइस लगाए हैं। कई बार क्या होता है 30 रुपये किलो आ जाते हैं, कई बार 50 से 60 रुपये किलो हो जाते हैं, और जैसे कि प्याज मैंने 20 रुपये किलो लगाई यहाँ पर, ठीक है। हमने टोटल इन सभी चीज़ों का कैलकुलेट बना करके देख लिया है, हमारे टोटल 1,25,000 रुपये खर्चा एस्टिमेट बन जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी भाई साहब। अगर आपने हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर देना, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद, जय हिंद, फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।